जिसकी वजह से आदमी दीन के ऊपर साबित कदम रह सकता है, और दूसरा शरीयत का इंतजाम और अमल सालेह का अहतमाम, यानी शरीयत का इंतजाम होना और फिर नेक आमाल का जो है इंसान पाबंद रहना, अहतमाम पाबंदी करते रहना, तो आदमी दीन के ऊपर साबित कदम रह सकता है। इसी तरह से कुरान के अंदर अंबियाए किराम के जो किस्से हैं उसको पढ़ना और फिर उसके ऊपर जो है गौर फिक्र करना। चौथी चीज, चौथा उसूल जो बताया था वो है दुआ, कि अल्लाह तबारक व तआला से साबित कदमी की दुआ करते रहना। जैसा कि हमने बहुत सी बातें देख करके आए हैं, यहाँ तक कि आप जंग के मैदान में भी हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से साबित कदमी की दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाबी अता फरमा देंगे। इसी तरह से पांचवीं चीज जो हमने देखी कि वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हम कसरत से करते रहे, हर मैदान में, हर घड़ी, हर लम्हा, हर जगह जो है आप अल्लाह का जिक्र कसरत से करते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस दीन के ऊपर जो है साबित कदमी अता फरमाएंगे। अब छठी चीज जो आज हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि आदमी अपने मौकूफ की सेहत पर यकीन, पक्का यकीन रखना, यानी अपने मौकूफ की सेहत पर, यानी कि आदमी जिस दीन को अपनाया हुआ है, यानी ये दीन इस्लाम, ये अल्लाह तबारक व तआला का अकेले अल्लाह का नाजिल करदा दीन है, अकेले अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ दीन है, ये यकीन हमारे अंदर मजबूती के साथ रहना, यकीन के साथ इसको मानना कि ये दीन जो है ये टंडा मंडा दीन नहीं है, ये अधूरा दीन नहीं है, ये जो है किसी का बनाया हुआ दीन नहीं है, किसी की बनाई हुई शरीयत नहीं है, किसी का बनाया हुआ कानून नहीं है, किसी का बनाया हुआ तरीका नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों की कामयाबी और कामरानी के लिए ये आखिरी शरीयत इस्लाम के नाम से लेकर के अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर जो है अपने प्यारे बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से भेजा है। और दीन के अंदर जो बातें हैं, यानी कुरान के अंदर जो बातें हैं, ये हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। ये यकीन होना चाहिए कि इस्लाम को समझने के लिए मुझे क्या करना है, तो अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए इस पैगाम को अगर हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये इस्लाम हमें समझ में आएगा। और जो है आदमी जितना जो है इस चीज को अपना कर उसके ऊपर पक्का यकीन, जितना पक्का यकीन करते रहता तो अल्लाह तबारक व तआला को उतना ज्यादा उसके ऊपर साबित कदमी अता करते, उतना उसके ऊपर जो है उसके ऊपर जमा देते हैं। ये दीन अल्लाह का भेजा हुआ दीन है, इल्लल्लाह इस्लाम, कि अल्लाह तबारक व तआला को दीन इस्लाम जो है वो पसंदीदा दीन है, दीन इस्लाम ही अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। कोई और दीन अल्लाह तबारक व तआला किसी और दीन को अल्लाह तबारक व तआला ना पसंद करते हैं और ना ही कयामत के दिन जो है किसी और दीन को इस्लाम के अलावा किसी और दीन को कबूल नहीं करेंगे। ومن يتقي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو من الخاسر في الاخرة من الخاسرين, यानी अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम के अलावा कोई और दीन वहां पर कबूल नहीं करेंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला के पास जाएंगे तो इस शरीयत इस्लाम को लेकर के जाना है, और शरीयत इस्लाम को लेके जाने का मतलब क्या है कि इस्लाम की तमाम पाबंदियां अपने जिंदगी के अंदर लाते हुए, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की पाबंदी करते हुए आप इस जो है अमल को अल्लाह के सामने लेकर के जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इस दीन, तुम्हारे इस इस्लाम को कबूल करेंगे। इसके अलावा आप नाम के मुसलमान हैं लेकिन जो है आपका अमल इस्लाम से जो है बिल्कुल हटा हुआ है, तो समझो कि वो आप इस्लाम को लेकर के अल्लाह के पास नहीं जा रहे, वो इस्लाम को लेकर के आप अल्लाह के पास नहीं जा रहे जिस इस्लाम को देकर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है। इस्लाम तो कुछ और दे करके भेजा लेकिन हम जो है अमल कुछ और करके जा रहे हैं, और ये बताना चाह रहे हैं हम दुनिया के अंदर कि ये दीन जो मैं अमल कर रहा हूँ यही असल दीन है, यही इस्लाम है, लेकिन जो है इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं है, तो समझो फिर वो खासरा यानी नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया और रसूल आए इसी दीन इस्लाम की जो है लोगों के अंदर तब्दील करके गए, लोगों को यही दीन इस्लाम बता करके गए, कोई और तरीका, कोई और मनहज नहीं बताया कि अकेले अल्लाह की इबादत करना है और जो है वक्त के नबी पर जो है ईमान लाना है। ये तमाम अंबिया
انسان جو ہے اپنی دعوت کو جو ہے لوگوں تک جو ہے پہنچا کر کے گیا. اور خصوصیت خاص بات ایک اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا. اللہ اکبر, یہ اس امت کے لیے جو ہے یہ بڑا اعزاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی نعمت ہمارے پتا کیا ہے کہ اللہ فرما رہے کہ ہم اس کتاب کا وارث, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر کے بھیجے جس کے اندر اسلام کو سمجھایا گیا ہے, تو اس کا وارث کس کو بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا ان لوگوں کو جن کو یہ کتاب کا وارث بنایا گیا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب کس کو دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تمام انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کو لیے اور جو ہے لوگوں تک جو ہے پہنچا دیا, صحابہ اس کے وارث بنے, پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد جو ہے جو جنریشن آتے گئے وہ سب جو ہے اس قرآن کے وارث اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنایا, وارث بنایا, قرآن کا وارث ہمیں بنایا. یہ بڑی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے بڑی جو ہے مہربانی ہے. تو اس کا جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کتاب کے ساتھ جو ہے ہم ایسا لگاؤ لگانا اور اس کتاب کے مطابق جو ہے عمل کرتے رہیں گے تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس دین کے اوپر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیں گے. ہم جم کے رہیں گے, ہٹیں گے نہیں, گمراہ نہیں ہوں گے, بھٹکیں گے نہیں. تو یہ اصول. ساتواں اصول جو ہے وہ یہ ہے جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب پر غور و فکر کرنا. جنت کی جو نعمتیں ہیں اب اس کا بیان الگ سے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا, جہنم کا بھی ذکر آپ کے سامنے ہو گیا, جنت کی باتیں بھی بتائی گئی ہیں, پھر بھی جو ہے انشاءاللہ تفصیلی بیان اس کا ہوگا. تو جنت کی جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو نعمتیں رکھی ہیں وہ نعمتوں کو یاد کرتے رہیے کہ جنت میں یہ نعمتیں ہیں, جنت میں یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے. تو آپ جنت کی نعمتوں کو اپنے تصور میں لائیں گے, اپنے خیال میں لائیں گے, اپنے سوچ میں لائیں گے, اپنے دماغ میں لائیں گے تو پھر آپ کو عمل کرنا آسان ہوگا. جب عمل کرتے رہیں گے جنت کو مجھے جانا ہے, یہ ارادہ آپ کر لو کہ مجھے جنت میں جانا ہے, مجھے جنت حاصل کرنی ہے, یہ ارادہ لے کر کے آدمی چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے ثابت قدمی عطا فرمائیں گے. جنت جو خوشیوں کا شہر ہے, خوشیوں کا, آرام کا, سکون کا, چین کا, راحت کا شہر, اب ایسا شہر کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا شہر نہیں ہے, ایسا خوبصورت شہر وہ جنت کا شہر. اس شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بسانا چاہتا ہے, وہاں کی محلوں کو جو ہے تمہارا وارث, محلوں کا جو ہے تمہیں مالک بنانا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان جنتوں کی نعمتوں کو جو ہے آپ یاد کرو اور جو ہے اس جنت کے اندر نہ آدمی کو غم ہے, نہ فکر ہے, نہ ڈر ہے, نہ خوف ہے, نہ کسی قسم کی لالچ ہے, نہ کسی قسم کی ہرس ہے, نہ کینا ہے, نہ بغض ہے, نہ کپٹ ہے, کچھ نہیں, کسی سے دشمنی نہیں, کسی سے جو ہے بیر نہیں, کسی سے جو ہے اختلاف نہیں, کچھ نہیں, محبت ہی محبت اس جنت کے اندر ہوگی اور راحت ہی راحت ہوگی. کبھی کسی قسم کی تکلیف, چھوٹا سا کاٹا بھی آپ کو وہاں نہیں چکے گا انشاءاللہ. وہ جنت کی نعمتوں کو یاد کرو اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت کو اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. جنت میں جانا ہے میرے بھائیو, جنت میں جانے کا ارادہ کر لو, مجھے جنت میں جانا ہے, مجھے جہنم میں نہیں جانا. یہ ہر مسلمان کا جو ہے یہ جو ہے ارادہ اور خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ وہ جنت کو حاصل کرے اور جنت کا وارث بن جائے, جنت کا حقدار بن جائے. یہ ارادہ جب آدمی کرتا ہے تو پھر جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, آپ اس کا علم حاصل کیجئے کہ مجھے جنت میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے, محل خریدنا ہے, بنگلہ خریدنا ہے تو کیا کرنا ہے, اس کی قیمت جو ہے معلوم کرنا ہے. مجھے بنگلہ خریدنا ہے, بنگلہ خریدنا ہے, بنگلہ خریدنا ہے, تسبیح لے کے گن رہا بنگلہ خریدے جاتا بھائی نہیں, مجھے بنگلہ خریدنا ہے. تو پھر اس کے پاس جائیے, پوچھے بھائی یہ بنگلہ میں خریدنا چاہتا ہوں, اس کی قیمت کیا ہے, مجھے کیا دینا چاہیے, یہ بنگلہ میرا ہو جائے, میرا ذاتی ہو جائے, میں اس بنگلے کا مالک بننا چاہتا ہوں, اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. تو جب بنگلے کا مالک بولے گا کہ بھائی یہ 10 لاکھ کا ہے, 10 لاکھ روپے لے کر کے آئیے, یہ بنگلہ اپنا بنا لیجیے, آپ اپنے نام پر لکھا لیجیے,
रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर हो जाएगा, लेकिन आप 10 लाख नहीं ले जा रहे हैं, 10 पैसा भी आपके पास नहीं है, आप बंगला हासिल करना चाहे आपको बंगला मिलेगा नहीं मिलेगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जन्नत देने का वादा करे किसके लिए? मोमिनों के लिए। मोमिन कौन है? मुसलमान होने के बाद अपने ईमान को मजबूत बनाना, फिर जो है तक्वा अख्तियार करना, फिर अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की पाबंदी करना, फिर जो है जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ गया, मौत आ गई, मरने के बाद जो है फिर आपको जो है जन्नत अता की जाएगी। कीमत क्या है? ये दुनिया के बंगला आप खरीदना है 10-20 लाख में आप बंगला खरीदेंगे, लेकिन वहां लाखों भी पैसों की जरूरत नहीं है। वो जन्नत इतनी कीमती है, इतनी कीमती है, आपको दुनिया की सारी दौलत देकर के भी वो जन्नत हासिल नहीं कर सकते। वो जन्नत हासिल करने की कीमत क्या है? कि अल्लाह की इबादत करो, अकेले अल्लाह की इबादत करके जो है अल्लाह को राजी करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत अता करे। ये अपने माल को मत देखो, अपनी जान को मत देखो। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना बिअन्न लहुल जन्ना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जानों को और तुम्हारे मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिए। तो जन्नत कैसे मिलेगी? ये हमारे माल अल्लाह के रास्ते में खर्चना है, अपनी जान अल्लाह के रास्ते में लगाना है, अल्लाह के सामने अपने आप को झुकाना है, अल्लाह की इबादत में अपना वक्त जो है लगाना है, तब चल करके आपको जन्नत मिलेगी। ये जन्नत की कीमत है अल्लाह की इबादत करना, और अल्लाह ने जो माल आपको दिया उस माल में से अल्लाह के रास्ते में जो है आप खर्च करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाएंगे। आप जो है अब इसके लिए कुर्बानी देना पड़ता, जो परेशानियां जो मुसीबतें आते आपको, रुकावटें आती रहती, रुकावटें आती रहती आपको। आप बंगला खरीदने जा रहे हैं, पैसा भी है आपको, लेकिन जो है कोई आकर के बोलता भाई ये बंगला अच्छा नहीं है, उसका इरादा होता है कि वो बंगला किसी और को दिलाना चाहता है, तो ये आकर के आपको जो है वो बंगला खरीदने से जो है आपको रुकावटें पैदा करता। तो लिहाजा इसी तरह आप जन्नत को हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन शैतान आकर के बोलता अरे भाई तू क्या नमाज गुजारा है, तेरे बीवी बच्चे है, उनके उनका जो है पेट पालने का मामला तेरी जिम्मेदारी है, जा दुकान को जा, ऑफिस को जा, जो खेती बाड़ी कर ले, मेहनत कर ले, चार पैसे कमा ले, कल के जो है कुछ पैसा जमा करके जो है कल तेरे बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएगा, तू आज नमाज पढ़ लेते फिरेगा तो कल बच्चों के लिए क्या जमा करके जाएगा। ये शैतान आकर के आपको जन्नत में जाने से रोकने की कोशिश करता, जन्नत हासिल करने की जो कोशिश आपकी है वो कोशिश को शैतान नाकाम करने की कोशिश करता। लेकिन ऐसे वक्त में आप साबित कदम रहना, जम के रहना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला राज़िक है, अल्लाह चींटियों को भी रिज़्क देता है, पत्थर के अंदर मौजूद उस कीड़े को भी अल्लाह रिज़्क देता है। तो मैं तो इंसान हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की ये जिम्मेदारी है कि जमीन के ऊपर जितने भी जो है ज़ीरू हैं, जितने भी जानदार हैं, उन सबको अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क पहुंचाता है, इसी तरह मुझे भी अल्लाह रिज़्क जरूर पहुंचाएगा। वो रास्ते अल्लाह खोलेंगे, लेकिन हम जो है उस जन्नत को जो है भुला दे करके इस दुनिया को जो है हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो याद रखना दुनिया आपको नहीं मिलने वाली। दुनिया उतनी ही मिलेगी जितनी आपको जो मुकद्दर में लिख दी गई, उससे ज्यादा आपको दुनिया नहीं मिलने वाली। आदमी कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी ये कर ले, आपको दुनिया आपके मुकद्दर में लिख दिया गया, आपको वो मिल के रहेगी। लेकिन इस दुनिया के बारे में जिसका फैसला हो गया कि तुझे इतना मिलना है, तुझे ये दिया जाएगा, तुझे ये नहीं दिया जाएगा, सारा फैसला हो गया है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला को जो है भुला करके आदमी इस दुनिया के पीछे लगा हुआ है, जिसका फैसला हो गया कि तुम्हें कितना मिलना है। अल्लाह ये बोल रहे कि अब जन्नत हासिल करने की तुम कोशिश करो, जन्नत हासिल करने की कोशिश करो, जन्नत की नेमतों को आप जो है याद करेंगे तो आपको जो है जन्नत जो है हासिल करने के लिए जो है आपको मेहनत करना आसान होगा। और जो मुश्किलों को आसान कर देता, यानी कि जो भी आप जन्नत के तलब में अगर आप अमल करते जाएंगे तो जो भी मुश्किल आपके सामने आएंगे वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। कोई मुश्किल आपको कोई चीज मुश्किल नजर आए, मुश्किलों को बर्दाश्त करना जो है आसान हो जाता है, बल्कि वो सख्त से सख्त हालात का सामना खंदा परेशानी से जो है सामना करता है उसका। कितने भी परेशानियां कितने भी मुसीबतें आन दो, आप अमल पे लग गए, अमल से लग गए तो आप कोई परेशानी आपको अमल से नहीं रोक सकती। परेशानी आ रहे मुकाबला करेंगे आप आसानी के साथ मुकाबला करेंगे, लेकिन अमल से नहीं लगे आप तो फिर आपको छोटा सा अमल भी आपको करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप ये जन्नत को याद कीजिए। उसी तरह से जहन्नुम के अजाब
के बारे में भी सोचते रहिए। अगर मैं यहाँ दुनिया में जो है अपनी ख्वाहिश से जो है जिंदगी गुजारूंगा, रब चाही जिंदगी नहीं गुजारा, मन चाही जिंदगी गुजार करके जाऊंगा, अपने ख्वाहिश से जिंदगी गुजार के जाऊंगा, अपनी चाहत से जिंदगी गुजार करके जाऊंगा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वहां जहन्नुम में जो है मुझे डाल देंगे, जहन्नुम के अजाब में जो है मैं मुब्तला हो जाऊंगा। ये जहन्नुम का ऐसा अजाब है, तरह तरह का अजाब है, आग में डाला जाएगा, आग के बिस्तर होंगे, आग के बिछौने होंगे, आग का ओढ़ना होगा, आग का बिछौना होगा, और जो है खार बार कांटे वो खाने के लिए दिए जाएंगे। तो हर का जो है दरख्त, जो कांटेदार दरख्त होता है, वो कांटेदार जब खाने के लिए जहन्नमी पुकारेंगे तो उनको खाने के लिए वो धोहर का जो है झाड़, उसका फल जो है दिया जाएगा, जो बड़ा कांटेदार होगा। जब वो खा करके निकलेगा तो मेरे भाइयों अंदर सारे जो है ये रगे हैं वो पूरे कट जाते रहेंगे, वो उनको खाने के लिए दिया जाएगा। जकूम, जकूम का लफ्ज कुरान के अंदर, जकूम का दर्द है, हाँ उसको तोहर कहते हैं, तोहर इतना कड़वा, इतना कड़वा, इतना कड़वा कि अगर उसका एक कतरा, उसका एक कतरा इस जमीन के ऊपर डाल दिया जाए तो सारे इंसानों को तकलीफ पहुंचेगी, सारे इंसानों को है उस तकलीफ में मुलबिस हो जाएंगे, उतना जहरीला, उतना कड़वा जो है वो फल होगा और वो कांटेदार होगा। पीने के लिए पूछा जाएगा कि है अल्लाह हमें कुछ पीने के लिए दे दे, जहन्नुम में तो तूने डाल दिया, खाने के लिए तूने कांटेदार फल दे दिए, अब पीने के लिए तो कुछ दे दे, कम से कम एक खतरा पानी ही डाल दे। तो फिर फरमाया जाए अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे फरिश्तों को, दो इनको पिला दो, तो जहन्नुमियों के जख्म से जो जिस्म से जो पीप निकलता है वो पीप उनको पीने के लिए दिया जाएगा, तो पीप उनको पीने के लिए दिया जाएगा। ये जहन्नुम का जो है मामला है, तो उस जहन्नुम के इस अजाब से, जहन्नुम तकलीफों का घर, मुसीबतों का घर, और जो है परेशानियों का घर, और जो है अजाब का घर है, अजाब ही अजाब है, वहां पर कभी आपको जो है सवाब नहीं, कहीं कभी आपको राहत नहीं, सुकून नहीं, चैन नहीं, एक सेकंड के लिए भी आपको जो है चैन और सुकून वहां पर मुयस्सर नहीं होगा। अजाब ही अजाब, तरह तरह के अजाब आपको दिए जाएंगे, जंजीरों में जकड़ा जाएगा, खींचा जाएगा, परेशानी के बल पकड़ करके घसेट करके ले जाकर के जहन्नम में फेंका जाएगा, और इतना बड़ा बड़ा जो है जिसम दे करके फेंका जाएगा, मामूली ये जिसम नहीं, बड़ा बड़ा जिसम दे करके, जिसका एक एक दांत पहाड़ के बराबर होगा, जहन्नुमी को जो जहन्नुम में डाला जाएगा, खाली दांत एक पहाड़ के बराबर। अब अंदाजा लगाइए कि जिस्म उसका कितना बड़ा बना करके डाला जाएगा, और जब चल जाएगा तो अल्लाह फिर से जो है नया जो है चमड़ा उसको दे करके फिर से उसको अजाब देंगे। ये नहीं कि एक मरतबा डाल दिया, जल गया, मामला खत्म हो गया, नहीं, मौत को भी मौत दे दी जाएगी। अब किसी को न जहन्नुमी को मौत है, न जन्नती को मौत है, तो हमेशा जो है उसके अंदर जो है अजाब में जो है वो मुब्तला होते रहेगा। तो इसी तरह से जो है जब जन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि सहाबा के जहन को बनाना है, सहाबा को अमल से लगाना है, और सहाबा को सबर की तलकीन करना है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का तस्किरा उनके सामने करते थे, जन्नत जन्नत का तस्किरा करते थे, जन्नत की बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बताते थे, तो उनके अंदर जो है साबित कदमी आ जाती थी, साबित कदमी आ जाती थी। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जा रहे थे, जो है आले यासर को जो है जब अल्लाह के रास्ते में उनको तकलीफें दी जा रही थी, यासर और अम्मार और उम्मे अम्मार, अम्मार और उनकी माँ और उनके बाप तीनों को जो है ये जो है मुशरिकीन मक्का तकलीफ दे रहे थे, मादर जाद नंगा करके जो है उनको तकलीफ है, बहरा उनको माँ के सामने जो है बेटा नंगा है, शौहर के सामने बीवी नंगी है, बीवी के सामने शौहर नंगा है, इस तरह से उनको जो है इस तरह तकलीफें दी जा रही थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उधर से गुजर हुआ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबरन ने आल यासिर, आए आल यासिर सबर करो, फैन मौदिकुम जन्ना, कि जो है इसके बदले में तुम्हें जन्नत है, तुम सबर कर लो ये तकलीफों के ऊपर, सबर कर लो तुम्हें जन्नत है। अब उसके बाद में जो है उनके उनके अंदर साबित खदमी आ गई, वो तकलीफ कितनी भी देते गए लेकिन जो है वो ईमान से जो है नहीं हटे। तो इस तरह से जो है आदमी को चाहिए कि जो है साबित कदम रखना है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अंसार से भी कहे कि अंकरे तुम लोग
मेरे बात तरजीह को दे दे देखोगे तो सबर करते रहना, यहाँ तक कि तुम मुझसे हौस पर मिलोगे यानी हौज़े कौसर पर मिलोगे। सबर करना जो तरजीह या तकलीफ वगैरह जो भी तुम्हें दी जाएगी उसके ऊपर तुम सबर करो, कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर तुम्हारी मेरी मुलाकात होगी। इसके बाद आठवीं चीज जो है वो बातिल की हकीकत से वाकफियत रखना और उससे जो है धोखा नहीं खाना, धोखा नहीं खाना। बातिल की जो है हकीकत यानी बातिल क्या है, एक है हक और दूसरा बातिल। बातिल आपको कहीं मिलेंगे लेकिन हक एक ही होता है। जब आप हक को इख्तियार कर लिए तो बातिल की हकीकत को अपने जहन के अंदर रखना कि ये बातिल है, ये गलत है, ये झूठ है, उसके उसकी हकीकत को मालूम करना कि ये बातिल किस तरह का उद्गार इसके ऊपर लगा हुआ है, ये कैसा बातिल है, ये कैसा झूठ है, उसकी हकीकत को जानना, जान करके जो है फिर उससे जो है धोखा नहीं खाना। एक मरतबा हकीकत को जान लिए कि भाई ये आदमी झूठा है, अब उससे आप धोखा नहीं खाना। अब हम क्या करते हैं, आपको झूठ मूठ बोल करके तरह तरह से जो है आपको बातिल की तरफ लाने की कोशिश करता, बातिल को इख्तियार कराने की कोशिश करते रहता लेकिन उससे धोखा नहीं खाना। हक को इख्तियार कर लिए डट जाओ तो मस्तकाम इस्तेकामत के साथ डट जाओ हक को इख्तियार करने के बाद और बातिल को बातिल ही समझो। जब हक आपने इख्तियार कर लिया बाकी पूरे बातिल कोई आपका हक मुकाबला नहीं कर सकता और वो बातिल आपको जो है तरह तरह से धोखा देने की कोशिश करता तो उस धोखे से जो है उसके धोखे में नहीं आना। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कि ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल्लज़ीन कफ़रू फ़िल बिलाद, अहले कुफर का शहरों में चलना फिरना आपको धोखे में ना डाल दे। यानी ये अहले कुफर जो कुफर है या बातिल पर है ये जो है बड़े दंदनाते हुए जो है शहरों के अंदर फिर रहे हैं, शहरों में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए, उनके उनको बड़े बड़े जो है दौलतमंद उनको बना दिया। आप उनके दौलत को देख करके, आप उनके बंगलों को, उनके कोठियों को देख करके आप धोखे में मत आओ कि भाई मैं भी अगर ऐसा करेगा, मैं भी इस तरह का कुफर करूंगा तो मेरा भी बंगला होगा, मेरी भी गाड़ी होगी, मेरी भी कार होगी, मेरा भी जो है महल बनेगा, मेरी भी इज्जत होगी, मेरी भी शोहरत होगी। तो इस तरह आप धोखे में नहीं आना क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला काफिरों के लिए जो है ये दुनिया को जन्नत बनाया हुआ है। काफिर दुनिया के अंदर अगर कितने भी नेकियां काम करने की कोशिश करता है, अच्छे काम करने की कोशिश करता है तो काफिर को अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला इस दुनिया के अंदर दे देंगे, वहां पर उसके लिए जन्नत नहीं है, वहां पर कोई उसको जो है नेमत वहां अता नहीं की जाएगी। अब दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुनिया मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। तो काफिरों को जो दिया गया है आप जो है उसके उसको देख करके धोखे मत आना। अल्लाह ने आपको जो दिया है उस पर जो है आप जो है आप उस पर खुश हो जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये दिया है। आप नीचे वालों को देखो कि मेरे पास कार है, दूसरे के पास कार भी नहीं है, अगर साइकिल मोटर है तो आप दूसरों को देखिए कि जिसके पास साइकिल मोटर नहीं है, आपके पास साइकिल है तो आप देखिए पैदल वाले को देखिए कि जो है बेचारे उसके पास तो साइकिल भी नहीं है, अल्लाह ने मुझे साइकिल दिया है। अगर साइकिल आपके पास है आप मोटरसाइकिल वाले को देखेंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करोगे। तो अपने से नीचे वालों को आप देखिए तो अल्लाह का शुक्र करने वाले, अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे बनोगे। आगे वालों को, ऊंचे वालों को मत देखिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर हो, आप देखेंगे कि हक क्या है, आप हक़ इख्तियार कीजिए और जो है कामयाबी किसके अंदर है, जन्नत किस तरह से हमें मिलने वाली है वो देख करके जो है अपने ईमान को, अपने यकीन को जो है वैसा बनाना है। काफिरों को देख करके आपको धोखा मत आना। अल्लाह तबारक व तआला एक और जगह फरमाते हैं फामा ज़बद फयद हबु जफा, बस झाग बेसूद बनकर खत्म हो जाता है। झाग जो समंदर के अंदर जो झाग आता है वो हमेशा नहीं रहता, वो हमेशा नहीं रहता, झाग कुछ देर के लिए आता है और फिर जो है वो खत्म हो जाता है, फिर नजर भी नहीं आता, हमेशा नहीं, हमेशा झाग नहीं रहता। तो झाग को देख करके धोखे में नहीं आना कि भाई कैसी झाग आ रही है समंदर के अंदर, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। तो इसलिए मिसाल अल्लाह तबारक व तआला दी और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वकदालिक यफसिलुल आयति वतस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन, हम उसी तरह आयतों को तफसील से बयान करते हैं ताकि मुजरिमों की राह का पता चल जाए। अल्लाह तबारक व तआला आयतों को खोल खोल कर तुम्हें समझा रहे कि कौन मुजरिम है और मुजरिमों का रास्ता कौन सा है उसका तुम्हें पता चल जाए, मालूम हो जाए।